पिछले एपिसोड में आपने देखा तो भाई बर्बाद हो गया, मैं महंगे जूते लिए थे मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज भाई धूप निकली पड़ी है, बारिश का मौसम भी है, यहाँ का बारिश का कोई भरोसा नहीं है, रात भर बारिश हुई है, एकदम कीचड़ हो रखा है। तो अपन जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बुफे। होटल से नहा धो के तैयार होके निकल गए, निक्कर चप्पल के अंदर। बीच में जाना है अभी एक और, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था। अभी हम आए हैं यहाँ पर, नवतारा कहते हैं इसको, ये वेज है यहाँ का और मेहमान ने कहा है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत जबरदस्त है। तो खा के देखते हैं, बताता हूँ कि कैसा जबरदस्त है यहाँ का। हमने ऑर्डर किया है यहाँ का महाराजा, कुछ स्पेशल था वो ऑर्डर किया है, पनीर वनीर होगा उसके अंदर। तो भाई आ गई है पाव भाजी, पाव भाजी नहीं है महाराजा है, जो भी है वेज महाराजा, पाव भाजी जैसी लग रही है मेरे को। यहाँ पे देखो इनके कितनी सारी ब्रांचेस है, इतनी सारी ब्रांचेस का मतलब क्या है, ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर दुकान है। मतलब मामा जो कह रहे हैं कि यहाँ की बहुत पॉपुलर है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि मैंने इतनी ब्रांचेस वैसे नॉर्मली दुकानों की नहीं देखी है। खाने का प्राइस मुझे रीजनेबल लगा, ठीक है खाने का रेट। हम गोवा में आए हैं अय्याशी करने, ना कि खाना खाने। तो मैं यहाँ खाने को रेट ही नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो मतलब मेरे लिए, मैं तो दिल्ली से कंपेयर करूँगा तो मेरे को मज़ा नहीं आया। ईमानदारी के रिव्यूज़ बताता हूँ, चना मंगाया था हमने, चने टाइट थे तो हमने रिप्लेस करा के फिर पनीर मंगाया, पनीर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो जो पाव भाजी थी महाराजा वाली वो भी मुझे उतना अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे मिक्स वेज नहीं पसंद है और मुझे मज़ा नहीं आया। और लास्ट के अंदर हमने बिरयानी मंगाई थी, बिरयानी वॉज गुड, मैं बोल रहा हूँ गुड, वेज थी पर मैंने एक ही चम्मच खाया। आपको पता मेरे को चावल वावल ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैंने एक चम्मच खाया, अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इसको पिज्ज़ा हट के बरीजा से कंपेयर कर रहा था। पिज्ज़ा हट ने जो बिरयानी निकाली थी तो उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब बिरयानी वेज जिनको पसंद आएगा, मैंने अभी तक जो बिरयानियाँ खाई है उनको अच्छी लगेगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी, मैं खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, खाने पीने के ब्लॉग्स नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बताता हूँ और बताता हूँ खाना कैसा था कैसा नहीं था, क्योंकि हम गोवा में आए हैं, गोवा में हम घूमने के लिए आए, बीचेस पे आए हैं। अगर मैं किसी ऐसी डेस्टिनेशन में जाता जहाँ पे खाना बहुत पॉपुलर होता है और वहाँ का खाना रेट करता तो समझ में भी आता, पर यहाँ पे मैं खाना रेट करने के लिए नहीं आया हूँ। ओवरऑल अभी तक खाना मेरे को एवरेज, बिलो एवरेज ही लग रहा है मेरे को, कहीं पे भी एट पार ये नहीं हुआ कि एकदम मैं पगला गया, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा टाइम। चलो भाई फाइनली पहुंच गए हैं बागा बीच, अब चले गए बागा बीच की तरफ। अरे वाह, लोग हर की पौड़ी के आनंद ले रहे हैं आप। बागा बीच में अंदर अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा है यहाँ पे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अभी जाता हूँ मैं बीच की तरफ और आपको दिखाता हूँ अपना नाम लिख के और लहरें मेरा नाम किस तरीके से मिटाती है। ये आ गई, ओ रह गई, ओ छूते ही भाग गई। ये देखो मैं दिखाता हूँ, पहले मैंने यहाँ कर रखा था और हमेशा लहर यहाँ पे आके रुक रही थी, अब देखो मैंने वहाँ कर दिया, वहाँ पे भी लहर नहीं आ रही है, हद होती है यार। 2000 years later. ओए बिगा दिया, ओए ये देखो ये लहर ने सबको लिपटा दिया, ये इसी लहर का वेट था, इसने सारे नामों को इकट्ठा मिटाया है। तो भाई मेरा भाई अंदर पानी के अंदर मजे मार रहा था, यहाँ का लाइफ गार्ड आया मुझे बोलने के लिए कि प्लीज़ उसको बाहर निकाल दो, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, समुद्र का एक लेवल होता है, पहले वो बाहर फेंकता है, उसके बाद उस लेवल के बाद से वो अंदर खींचने लग जाता है, तो वो मुझे यही लॉजिक समझा रहा था। उसको लगा मेरा भाई बहुत प्रो स्विमर है, मेरे भाई को स्विमिंग तक नहीं आती है, तो उसको बुलाते बुलाते हमने बड़ी मेहनत करी तब जाके वो बाहर आया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो है बुरीतोस, यहाँ पे नॉन वेज अच्छा मिलता है, और आपने देखा होगा मैंने दोपहर में भी आज वेज खाया है, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार को मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो अभी आपने जो कैसल देखा है ये 4 से 5 साल की बच्ची ने बनाया है, मैं शक्ल नहीं दिखा सकता, उनके पेरेंट्स ने मना किया है क्योंकि
यूट्यूब पे वीडियो आएगी, पर एक बार ताली हो जाए, बहुत बढ़िया बनाया, मज़ा आ गया। मैंने तो पहली बार देखी ऐसी चीज़, क्योंकि अपन तो इस चीज़ के साइड है ही नहीं ना, हम तो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन में ये वाली चीज़ें कब देखते हैं। शाम का टिटोस का प्रोग्राम बन गया है, तीनों की टिकट ले लिया हमने, 7300 की टिकट पड़ी है। भैया जी ने डिस्काउंट दिया अपने को, ये भैया की शक्ल देख लो, कभी आओगे तो इनको कह देना डिस्काउंट आपको दे देंगे डिस्काउंट। रात के 3 बज गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं हम और यहाँ पे आ गए हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बहुत बोर हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से मजे की डेफिनेशन दारू पीना नहीं है, मेरे हिसाब से लड़कियों के साथ नाचना नहीं है। अगर आपके पास एक लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ नाचना होता है। और आज मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी, मैं इस टाइप का बंदा ही नहीं हूँ जिसको ये वाली चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। अब आया भाई शेर पंजाब में, यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे। अब तक खाना आ रहा है, मैं टीटो को ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ आपको, ठीक था, एवरेज था। म्यूज़िक की बात करके चलूँ तो भाई अपना पंजाबी वाला म्यूज़िक नहीं था, क्राउड के हिसाब से म्यूज़िक नहीं चल रहा था, डीजे का जो मन कर रहा है चला रहा था। मैंने उसको कहा एक दो गाने, मैंने पूछा ये चलाएगा, कह रहा नहीं। ऑल दो मैंने भी देखा है कि बहुत सारे डीजे होते हैं कि ओफेंड हो जाते हैं अगर आप कहते हो भाई ये वाला म्यूज़िक लगा दो, पर बहुत बार ऐसा हो रहा था कि लोग बस खड़े हो जाते थे, वो वेट करते थे कौन सा गाना आएगा। वो मिक्सिंग जो होती है ना गाने के बीच की, वो अच्छी नहीं लग रही थी, वो बेटर हो सकती थी मतलब मेरी नज़रों के अंदर। क्राउड वॉज गुड, शराबी थे सबके सब, दारू पी रहे थे लगे हुए थे। अब अगर वहाँ पे स्नैक्स की बात करके चले भाई, अगर आप 2700 रुपये की टिकट रखे हो तो आपको स्नैक्स भी उस हिसाब से रखने चाहिए। स्नैक्स में पकोड़े थे, वेज पकोड़े और चिकन पकोड़ा था, साथ में सैंडविच थे वेज और नॉनवेज सैंडविच, जिसमें मुझे कुछ नॉनवेज दिखाई नहीं दिया, मैंने ट्राई करके देखा, और फ्रेंच फ्राइज थे कॉमन बस। ड्रिंक्स के अंदर जो दारू वारू पीते हैं उनके लिए तो ठीक था, क्योंकि वो दारू पीते हैं तो उनका तो हो जाएगा काम, पर जो दारू नहीं पीते जो सूफी रहते हैं उनके लिए खाली जूस था और कोल्ड ड्रिंक थी। कोल्ड ड्रिंक का फ़ायदा नहीं है, जूस ही पिया मैंने बस, अपन ने कुछ नहीं खाया मतलब। तभी यहाँ पे आया खाने के लिए, अब मैं खाऊंगा अपनी मच्छी, क्योंकि मंगलवार ख़त्म हो चुका है, रात के 3-4 बज गए हैं। तो भाई हमारी फ़िश आ गई है, ये रही अपन की फ़िश, साथ में दिए उन्होंने फ्रेंच फ्राई, साथ में दिए सलाद। चिराग खन्ना ने लिया अपना पनीर टिक्का, कैसा लगा भाई पनीर टिक्का? इट्स डिलीशियस। चिराग खन्ना को कभी आज तक इतिहास में कोई चीज़ गंदी नहीं लगी है, ये रिकॉर्ड है चिराग खन्ना का, ब्लॉग चैनल चेक कर सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ बेकार नहीं बोलते हैं। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप बुलाना चाहते हो और अच्छा रिव्यू चाहते हो, चाहे आप कैसा भी खाना दो, चिराग खन्ना को ज़रूर बुलाना। इनके चैनल के ऊपर आप इनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हो और इनको मेल कर देना।